गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग यहाँ पर मेकलूद गार्डन के पास में है, विच इज सिटीज मेन जॉइंट। हम लोग यहाँ पे यूथ है हमारा, हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि व्हाट डज यूथ थिंक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड आवर कंट्री। तो मैम आपका नाम? निकिता। आप? अंश। अंश। आप? नितिका। नितिका। और आप? अमन। अमन। ओके, तो हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि देश में एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी कमी हो रही है, युवा बेरोजगार, तो इस मामले में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, कैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी को, जब यूथ पढ़ेगा नहीं तो उनको असली जॉब की एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। आप पहलों की तरह घूमते रहोगे, रात में पार्टी करके आओगे, उसके बाद पहलों की अच्छी जॉब चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। डिग्री सबके पास, लेकिन नॉलेज बहुतों के पास नहीं। डिग्री सब लेके बैठ जाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या एक रात पहले शिवानी उठाएंगे, पढ़ेंगे, हो गए इंजीनियरिंग, नहीं होती ऐसे। और इसके अलावा भी मतलब ये मतलब जहाँ तक बोला ये जैसे फेवर और अगेंस्ट दोनों में अगर हम देख सकते तो वो यही बोलेंगे कि अगर प्रॉपर एजुकेशन मिला तो, और अगर वो एजुकेशन मिल रहा है तो उसको लो। यूटिलाइजिंग इज मच इम्पॉर्टेंट। अमन ये हमारे फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। काम से बिल्कुल काम से बिल्कुल दूर है, स्पोर्ट्स पर्सन है। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है, दो टुक हमारे युवाओं ने साफ तौर पे बोल दिया है, खुली बात, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए। काबिल नहीं हो तो काबिल बनो, वरना बढ़िया।